हेलो गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। राजा लेके चलते हैं आपके नए ब्लॉग पे। मेरा स्वागत है आप सभी का। अब देखिए, अभी टीओ टाइम मेरा जो है आपका 7 बजे का था। पावर चेंज है, सिंगल पावर में गाड़ी आई थी, ट्रेन का नंबर HEBS। ठीक है, देखिए स्टार्टर डेंजर दिख रहा है। अभी स्टार्टर जो है आपका पूरा गाड़ी का इंटीग्रिटी चेक करना है। इस तरह का आपको चार्ज लेने से पहले पूरा जो है देख लेना है आपका स्टार्टर। अभी मेरा डेंजर है, दो गाड़ी हम चेक कर लिए हैं। ठीक है, ये APM का है ना। देखिए BPC में इसका मेंशन होगा, आपका क्या बोलते हैं उसको, BMBS 50% से नीचे है, ऊपर है। ठीक है, वो उस पर स्पीड डिपेंड करता है कि गाड़ी की आपकी स्पीड क्या रहेगी। लोड कंडीशन में अगर लोड 3000 प्लस है तब इसका लोड जो है 5190 है करीब। ठीक है गाइस, देखिए ये APM सिस्टम है, यही इसी को APM सिस्टम बोलते हैं। देखिए आपको सामने एक गाड़ी और चेक करते हैं, इसको मार के एक्सीलरेटिंग हैंडल ऊपर करना है। ऊपर चढ़ना शुरू होगा गाइस, चल रहा है ऊपर चढ़ गया। ठीक है गाइस, दो तीन गाड़ी को मिलाना है आपका, UCR का है तो मिला लिए हैं। मेरा आपका लास्ट डिजिट जो वैगन का लास्ट डिजिट है 17203 BPC में और वैगन वेबिल में मेंशन होना चाहिए। ठीक है, अच्छा BPC देखिए इसका क्या है, ट्विन पाइप का है, लेकिन BPC में ट्विन पाइप है लेकिन ये सिंगल पाइप में जा रहा है। ये क्या है, ओनली, ठीक है, BP प्रेशर वाला पाइप है। तो इसका भी एक ऑर्डर नंबर है, वो भी है। देखिए ये M टाइप का ब्रेक भान। ठीक है, तो देखिए आपका इसमें ये हो गया आपका पिस्टन अंदर घुसा हुआ है। एक बार जो है इसको भी चेक करेंगे, ठीक ना। देखिए एकदम ब्रेक रिलीज है, धन आवाज़ कह रहा तो ब्रेक रिलीज है। बाकी वगैरह पीछे सब देख लेना है एक बार, ये लगा हुआ हुक में, यहाँ कंडीशन ठीक ठाक है ना, चलेगा। ठीक है, योक भी बढ़िया है, ले लिया। उसके बाद एक बार इसको भी देख लेते हैं मार करके, कम से कम मतलब ब्रेक ये नहीं किया गया होगा। अच्छा, उसको देख लिया जाके एक बार और। ये देखिए आप ब्रेक इंटीग्रिटी, डोर खुला हुआ कहीं कुछ है, बॉडी बज वगैरह यहाँ पे देख लेना है। ठीक है गाइस, आज APC देखिए पावर चेंज हुआ, हम बोल रहे थे क्या। देखिए कहीं कहीं पे देखिएगा सीढ़ी का जो है ना आधा कटा हुआ है इस तरह का। ठीक है, तो चढ़ने उतरने समय भी ध्यान देना है। ठीक है गाइस, ये देखिए, ठीक है ना, तो ये भी प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। खैर चढ़ते हैं अब, कि इतना सुबह है, रांची से 4:30 का ट्रेन पकड़े हैं, सुबह 4 बजे रांची से उठे हैं, और रांची से चूँकि अप डाउन करते हैं तो थोड़ा दिक्कत है। तो आपका नाश्ता वास्ता ठीक से आज मिला नहीं, ये सब गाड़ी का पेपर हो गया, थोड़ा चर्चा करेंगे हम आपके साथ। ये मेरा नाश्ता है, देखिए ये इसमें मुरी में ही इडली वगैरह है, ये पैक करवा लिए हैं टाटा, मतलब 10-12 घंटा। ठीक है, तो बैग रख देते हैं, बैग रखने की जगह तो खैर यहाँ भी है। उसके बाद ऊपर कंडीशन देख लेना है, इधर का ठीक ठाक है, ये वाला नहीं है, ये ठीक है। ये राइट है, इधर भी राइट दिख रहा है, ये किसी का लगता है अटक गया है, नहीं खुला ना क्या। देखिए ये जो है ना, देखिए अभी ये अटक गया है किसी गार्ड साहब का, अभी निकल नहीं रहा है यार, छोड़ो। चलिए तो थोड़ा सा रेडी हो लेते हैं। अब रेडी में क्या क्या करना है आपका, सारा जो है झंडा उंडा निकाल लेना है।
और गाइज आज जो है मिश्रा बाबा का बहुत बहुत थैंक बोलना चाहेंगे, क्योंकि रात को सोने समय हम उनको बोल दिए थे कि बाबा सुबह में एक बार हमको टाटा पैसेंजर का टाइम फ़ोन कर दीजिएगा, ताकि और बोर्ड देख लीजिएगा कि बता दीजिएगा कि हमको कि जाना है कि नहीं जाना है, बोर्ड का क्या हाल है। तो बोर्ड का हाल बुरा था और एटलीस्ट आना ही पड़ा, बाबा फ़ोन किए थे बेचारे, इसलिए उनको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। नहीं तो आज का टिकट छूट जाता, अगर पैसेंजर नहीं पकड़ते ना तो टिकट छूट जाता है, फिर टिकट छूटने के बाद फिर बहुत झमेला है, वो सुबह सुबह पंचायती हो जाएगा फिर आपका। ठीक है, तो देखिए पानी वानी भर लिए हैं, यह स्प्राउट आपका है, कुछ कुछ मिला है, तो क्योंकि मास्टर साहब ये चार्ज लेने गए हैं, एलपी बोर्ड उसको टांग देते हैं पीछे। देखिएगा एक नज़र डालते हैं पेपर पे, अभी यहाँ बना है, देखिए एयर प्रेशर कंटिन्यूटी टेस्ट बनाया है एटमोरी में 5 तारीख को, ट्रेन नंबर, लोको नंबर, लोड, बीपीसी पार्टिकुलर, लोको में बीपी का परसेंटेज केजी कितना है, ईओटी कितना हुआ, प्रेशर जो है रेडी हुआ है उसको नहीं लिखे हैं अभी, कंटिन्यूटी जो है कर लिए हैं, लोको पायलट का, ट्रेन मैनेजर का और जो है रोस्टर या चीफ यार्ड मास्टर का यहाँ साइन। ठीक है, ये देखिए आपका लोड का है, वेमेंट का है, वेमेंट हुआ था जहाँ उसका मेमो है, सुपर गार्ड का मिला हुआ स्टार्टर। इसके बाद देखिए ये आपका हो गया सिंगल पावर का है ना, ये आपका GDR, ये आपका CC का BPC। ठीक है, CC तो रहेगा उसी का, CC का रेक ID, BPC नंबर इसका। ठीक है, जब लिखा बना 10,000 किलोमीटर तक जो है ये चलेगी, 10,000 प्लस 35 प्लस 5 दिन काट के लिखा हुआ, 35 प्लस 5 लिखा हुआ, मतलब 40 डेज को बढ़ा कर किया गया है ना, इसको 40 डेज बढ़ा कर किया गया है। ठीक है गाइस, अच्छा कहाँ का ये देखिए है, तो वेस्ट सेंट्रल रेलवे WCR का है, जबलपुर डिवीजन का, NKJ यार्ड है ना। ठीक है, न्यू कटनी जंक्शन, NKJ क्या होगा बताइए, तो न्यू कटनी जंक्शन देखिए यहाँ ये हुआ, देखिए BMBS बोल रहे थे ना, BMBS कितना है, 84% है, देख रहे हैं ना, 50 से अधिक है, और वेमेंट जो है आपका लोड जो है वो 3000 प्लस है, स्पीड जो है 50 km/h से अधिक नहीं रहेगा, देखिएगा इसका। ठीक है, मास्टर लेवल टेक्निकली चीज़ है ये, 50 km/h ही इसका स्पीड चलेगी सेक्शन में। ठीक है, हाँ कब, लेकिन इसमें एक और है, ग्रेडियंट भी डिपेंड करता है। ठीक है गाइस, ग्रेडियंट जो है घाट सेक्शन में है ना, अगर 100 से 200 के बीच रहेगा तो स्पीड 50, और अगर जो आपका 100 से कम रहेगा स्पीड 35-40 के स्पीड में उसको चलाया जाता है। ये तो हमसे ज़्यादा बेहतर लोको पार्ट बता पाएंगे आपको है ना, कभी मुलाकात होगी तो हम आपसे इस बारे में चर्चा करेंगे, और सारा चीज़ बद देखिए निकाल के रेडी हो चुके हैं है ना। अब लोको पायलट जो है तो वहाँ से वॉकी टॉकी में बोलेंगे तो कंटिन्यूटी टेस्ट जो है किया जाएगा, और कंटिन्यूटी टेस्ट करने के बाद हम लोग एक बार RRI को यानी कि या मुरी को, ठीक है रेडी हैं इसकी सूचना दिया जाता है, जब बोल दीजिएगा आप रेडी है तो आपको सिग्नल दिया जाएगा, तब तक थोड़ा सा हम जो है OPT 7 जो है थोड़ा सा भार लेते हैं है ना, OPT 7 थोड़ा सा भार लेते हैं तब तक। ठीक है गाइस, और बने रहिए मेरे ब्लॉग में, आज का पूरा सफ़र जो है देखने को मिलेगा, और देखिए क्या कुछ होता है आज का ड्यूटी में। ठीक है, आप लोगों का भी एक क्यूरीज था कि पूरा ड्यूटी का ये दीजिए, मेरा जो TO है 7 बजे का TO है, कॉल मेरे पास गया था कितना बजे, 4:45 में करीब करीब कॉल मेरे पास गया था, 4:45 में कॉल गया था कि 7 बजे का TO है HEBS टाटा। ठीक है, पावर चेंज है वहाँ, पावर चेंज मतलब सिंगल पावर ना आया ना तो मल्टी पावर में जाती है ये। ठीक है, टाटा जो जाती है वो मल्टी पावर में जाती है, अगर मल्टी लेकर नहीं जाइएगा तो चैंडल में आपको एक पावर बैंकिंग के लिए वेट करना पड़ेगा, लेकिन मल्टी जिनन है तो बिना पावर जो है वेट किए हम लोग वहाँ से निकल जाएंगे और सीधा टाटा की तरफ चले जाएंगे, तो वहाँ थोड़ा टाइम वेस्ट नहीं होगा चैनल, क्योंकि चैनल में होता क्या ना कि चैनल में पावर नहीं मिलता है जल्दी कभी कभी, तो 1-1.5 घंटा वेट करना पड़ता है, डिटेंशन उसमें होता है, लेकिन कोई बात नहीं, वो तो डिपार्टमेंटल डिटेंशन है ना। ट्रेन नंबर HEBS हो गया, TO टाइम देखिए क्या क्या भरते हैं, TO टाइम 7 o'clock, ऑन ड्यूटी आप कब किए हैं तो 6:30 में किए। ठीक है, वैक्यूम कितना है ब्रेक पावर में, 4.8 kg/cm², TO कहाँ तक मिला है, अप टू टाटा बोल रहा है, बोलिए। ठीक है, डेट कौन सा है, 2023 जाएगा अभी आगे गाड़ी गया हुआ है। ठीक है, BPC वगैरह है तो BPC यहाँ लिख देना है, एक बार यहाँ पे लोड लिखना है, लोड में क्या क्या है भाई, तो N बॉक्स है, लेकिन लोड कितना लिखे जा रहे हैं 57 है ना, इसके बाद N बॉक्स एक और है वो जो है खाली डब्बा है 50, तो एक वो हो गया, एक NMT है तो एक वो हो गया, तो 58 59 हो गया, लोड 5190.90 टनेज। ठीक है, टनेज हो गया। अच्छा, इसमें जो है मास्टर कौन जा रहे हैं, तो मास्टर भी जो है
देखते हैं टिकट में रहेगा मास्टर का नाम। तो आपको तो सब साथी हम लोग आए हैं, लेकिन नाम एक के राणा, यहाँ नाम लिख देना है एक के राणा, ठीक है। उसके बाद असिस्टेंट कौन है, निवास कुमार, निवास कुमार, ठीक है। दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुरी। अच्छा लोको नंबर जो है कितना है, वही पावर नंबर, पावर जगह है कहाँ मिलेगा, एपीसी में बनाए हैं अभी हम लोग, ठीक है। एपीसी में पावर को मेंशन करते हैं ना, लोको पावर कितना है, देखिए कितना लिखा हुआ है 33970, तो यहाँ लिख देना है 33, ये आपके रिकॉर्ड के लिए 970 और 33 है ना, 976 कौन सा पावर है, वैग 9 पावर है, वो वैग 9 पावर हो गया। उसके बाद ये कौन सा है, तो ये डॉन, तो डॉन है ना। इसके बाद वेदर कैसा है, वेदर क्लियर है, तो क्लियर लिख देंगे। इसके बाद स्टेशन, तो वगैरह वगैरह इसमें लिख दिया जाता है, 47 में सारा चीज़ मेंशन हो गया। ठीक है, हम लोग अब जो है ना यहाँ रिमार्क्स लिख दिए, चलिए ठीक है गाइस। सो आपका भी एक क्यूरियस था कि पूरा वीडियो जो है आपका स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक का जो आपका है उसको पूरा कवर कीजिए, तो टुडेज आई विल ट्राई टू कवर ऑल द वर्किंग एंड देखते हैं व्हाट हैपेंड इन सेक्शन ना, फ्रॉम स्टार्टिंग टू ऑरिजिनेटिंग टू डेस्टिनेशन, फ्रॉम मोरी टू टाटा। ओके, बने रहिए वीडियो में। हाँ, कंटिन्यूटी मिला मास्टर, लाइन नंबर 9 HBS कंटिन्यूटी मिला मास्टर। हाँ कंटिन्यूटी मिला, कंटिन्यूटी ओके है, ठीक है ठीक है। तो बोल दे, रेडी बोल दें क्या? हाँ ठीक है, बोल सकते हैं। अरे राई मुरी बात कीजिए, ये 9 HBS रेडी है मास्टर हम लोग, ठीक है ठीक। देखिए गाइस, तो मुरी से अभी चलने के बाद इलू, तुरांग, सुइसा, तिरुल्डी सब हम लोग थ्रू थे, और थ्रू होने के बाद देख लिए कि आप यहाँ पे डिस्टेंस पार कर चुके हैं लेटेमडा, और लेटेमडा का होम जो है डेंजर, ठीक है। ये कर्वेचर है तो दिखाई नहीं देगा, ठीक है। आपको लिखना है आप कितना किलोमीटर में खड़ा हुए, तो मास्ट नंबर 315/16, टाइम कितना बजे, 8:45, ठीक है गाइस। रुकने का कारण, रीज़न फॉर स्टॉप द ट्रेन, होम सिग्नल डेंजर एट LTMD लेटेमडा, फ्रॉम टाइम 8:45 टू जब तक रुकेंगे इन किलोमीटर 315/16, ठीक है गाइस। चलिए तो गाइस बने रहिए व्लॉग में और देखिए क्या कुछ होता है। फिलहाल तक तो अभी तक का जर्नी 1 घंटे का जर्नी करीब करीब हम लोग का हो चुका है, और 1 घंटे में हम लोग 4th स्टेशन पहुंचने वाले हैं। अब देखिए ये चलना हल्का हल्का स्टार्ट हो गया, तो मास्टर हालांकि बोलते हैं गार्ड ऑफ HEVC होम सिग्नल, ठीक है मिल गया है, स्टार्ट कर रहे हैं ट्रेन को, बोले होंगे लेकिन आवाज़ कभी कभी नहीं आता है, या उनको पता है कि गार्ड जो है ब्रेक से नहीं उतरता है, प्रायः नहीं उतरते हैं होम सिग्नल डेंजर होने पर। हाँ स्टेशन पे रुकती है तो वहाँ पे उतर जाता है आदमी, है ना, ठीक है, तो वहाँ पे बिना बात किए हुए वो भी नहीं चलेंगे, लेकिन बीच सेक्शन में उनको भी पता है कि बेवजह क्यों उतरेंगे, और बीच सेक्शन में क्या होता है कि आवाज़ भी नहीं मिल पाता है उस तरह का, है ना। ठीक है गाइस बने रहिए। रखा गया था,
BRM गाड़ी निकली हम लोग को बाहर और रखा गया था। तो गाइस अभी अभी देखिए झिमरी आने के बाद ये जो है डिप्टी स्टेशन यानी कि डिप्टी एसएस डिप्टी स्टेशन मास्टर के द्वारा ये बोला गया कि ये गाड़ी जो हम लोग मूरी से लेके आ रहे थे टाटा को लेके जा रहे थे अब ये गाड़ी वापस रिटर्न जो है मूरी जाएगी। वजह क्योंकि बोला गया है कि पीछे में जो है देखिए ये वाला पीछे जो लाइन नंबर 3 है यानी कि सेकेंड लूप है इसमें मल्टी किस इतना जगह जो है रखने के लिए। हाँ ठीक है फॉलिंग क्लियर है मास्टर, मल्टी का जगह भी बचा है 3 नंबर में। तो ये जो है गाड़ी वापस जो है मुरी जाएगी। अब लीजिए अब ये काम आजरा हो गया भाई। तो रीज़न ये लग रहा है एज आई एक्सपेक्टेड कि खड़गपुर में उधर जो है कुछ हाँ वजह हाँ बोलिए चीफ बीएस गार्ड बोल रहे हैं बोलिए महोदय। हाँ हाँ पीछे क्लियर है मल्टी का जगह है स्पेस है ठीक है। देखिए ये जो है मल्टी पावर जो है डिटैच करने के लिए स्टाफ भी भेज दिया गया। हाँ तो रीज़न क्या हो गया? रीज़न जो है वो एज आई एक्सपेक्टेड कि आपका कुस्तौर जो है अनाड़ा के बाद जो है अगला स्टेशन कुस्तौर आद्रा डिवीज़न में और उस साइड खड़गपुर डिवीज़न में आपका कोई एक जंक्शन है टाटा से खड़गपुर के बीच में वहाँ पे एजिटेशन है या जिसे हम लोग बोलते हैं प्रोटेस्ट है यानी कि एजिटेशन है। क्यों ये तो पता नहीं। क्या जी बोल रहे थे बोल के हाँ तो कुर्मी जो है ना कुर्मी जो समाज है वेस्ट बंगाल का रहने वाले वो लोग का शायद कुछ डिमांड है पता नहीं उनको एससी में शामिल करना है ना एसटी में शामिल करना है यही उनकी मांग है। इससे पहले भी एक बार निमंडी में ठीक है प्रोटेस्ट ऐसा हुआ था ठीक है रेल रोको है ना तो उस समय भी बहुत सी गाड़ियों को डाइवर्ट किया गया था कुछ गाड़ियों को कैंसिल किया गया था। तो आज भी वजह ऐसा है कि आज भी जो है 5 तारीख को बहुत सी गाड़ियां कैंसिल है यहां तक कि हावड़ा भी शायद कैंसिल है या उसके भी डाइवर्ट किया गया है। तो कुछ देखिए ऐसा कुछ होता है ना तो गाड़ियों का होता क्या है कि उसे कैंसिल कर दिया जाता है या तो या उसे शॉर्ट टर्मिनेट किया जाता है या उसे रूट डाइवर्ट करते हैं। अब ये तीनों का क्या मजरा है? ये ऑन द बेसिस ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ ए ट्रेन किस गाड़ी की क्या महत्व है उसे चलाना चाहिए नहीं चलाना चाहिए इसका निर्णय जो जोन होते हैं हमारे एसीआर का जो जोन है वहाँ से रेलवे बोर्ड से ठीक है इसका ऑर्डर निकलता है कि भाई फलाने गाड़ी को रूट डाइवर्ट किया जाए और रूट अगर डाइवर्ट किया जाता जाए तो उसे किस रूट से चलाया जाएगा ठीक है या कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट गाड़ियाँ नहीं है तो उसे कैंसिल कर दीजिए। अगर मध्यमिक वर्ग की वो गाड़ियाँ स्पेशल है तो उसका शॉर्ट टर्मिनेशन किया जाए मींस
जहाँ पे एग्रीटेशन हो रहा है उसे एक पहला स्टेशन तक वो गाड़ी आएगी और लास्ट गाड़ी वहीं तक वो खड़ी हो जाएगी, फिर वहीं से वापस अपने जहाँ से वो आई थी वहीं पे वो जाएगी। इस क्रिया को शॉर्ट टर्मिनेशन कहते हैं। और कैंसिल तो समझते हैं, जहाँ से गाड़ी ओरिजिनेट होने वाली है, चलने वाली है, वहीं से उसे चलने नहीं दिया जाना, रोक देना, ठीक है, क्या नहीं जाएगी, आज ये कैंसिल है, रद्द हो गया इसको बोलते हैं। और डाइवर्ट डाइवर्ट भी क्या होता है बता दिए आपको हम कि उसका रूट को चेंज कर देना, ठीक है। मान लीजिए कोई गाड़ी जो है किसी रूट से जो उसका सामान्य रूट है जाने आने का, उस रूट से न चला करके किसी और रूट से उसे घुमा कर भेजना, ठीक है, इस क्रिया को रूट डाइवर्ट कहते हैं। तो मे बी अब देखिए इसको पता नहीं, शायद हो सकता मुरी ले जाया जाएगा वापस, तो हटिया होकर के जाएगा या रांची होकर के ले जाया जाएगा, पता नहीं, अभी तो एडमिनिस्ट्रेशन समझे। हम लोग को वापस अगर मुरी भेजा जाएगा तो हम लोग फिर खींच के उसको मुरी ले जाकर मुरी लेके जाकर रख देंगे और ड्यूटी हम लोग का समाप्त हो जाएगा, ठीक है गाइज। अब यहाँ से मुरी जो है हम लोग कितने घंटे में पहुँचेंगे या उसका टाइमिंग क्या रहेगा, आ तो गए हम लोग बहुत अच्छे टाइम पे, ये कहना मुश्किल है। ओके गाइज, ठीक है, फिर मिलते हैं, देखते हैं क्या कुछ होता है, फिर आपको अपडेट देते हैं, बने रहिए वीडियो में आप हमारे साथ। SCR ऑर्डर नंबर 46 लास्ट व्हीकल को हो गया, लास्ट व्हीकल नंबर मिला लिए, साइन कर लिए सेंटिंग मिलना में, स्टाफ अब जा रहे हैं, फिर इसको रेडी बोला जाएगा, क्योंकि गाड़ी में घुस रहा है, सिग्नल देख लेते हैं, अभी तो नहीं मिला है। अरे गाड़ी कुछ बुला रहा है का, देखो तो गाड़ी घुस रहा है, देखो एक नंबर गाड़ी घुस रहा है, अब तू कह रहा है हाँ तो बाद में इसमें आवाज डाल के मिक्सअप कर देंगे, है ना, एक अच्छा चैनल खोले हुए हैं।